आज का पहला सवाल है कि मैं कौन हूं और इस जीवन का लक्ष्य क्या है। दो सवाल, वास्तव में दो सवाल नहीं है, एक ही सवाल है। जीवन का यही लक्ष्य है कि हम जान सकें कि मेरा होना क्या है। यही पर्पज है, यही उद्देश्य है। जन्म होते ही हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, फिर शरीर की जो जरूरतें हैं वे सब बाहर से पूरी होती हैं। भूख लगी तो भोजन बाहर है, प्यास लगी पानी बाहर है, प्रेम की मित्रता की भावना है, संगी साथी बाहर है, जो कुछ भी है सब बाहर है। फिर स्कूल कॉलेज बाहर है, घर गृहस्थी बाहर है, धन कमाना बाहर है, सब कुछ बाहर है। धीरे धीरे हम पूरी तरह बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं और स्वयं के होने के प्रति मूर्छित हो जाते हैं। दिया तले अंधेरा जैसी स्थिति। क्रमशः हम भूल जाते हैं कि हम हैं भी। जब हम जन्म लिए थे तब हमें अपने होने का एहसास था। मां के गर्भ में 9-10 महीने बच्चा पेट में था, उसको केवल स्वयं के होने का पता था और वह स्वयं का होना ऐसा था कि वह मां से जुड़ा हुआ था, संयुक्त, अलग से नहीं पता था कि मैं हूं। मां के माध्यम से वह पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। मां की श्वास ही उसके श्वास थे, मां का भोजन ही उसका भोजन था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि कोई श्वास भी चल रही है, कि कोई भोजन भी लिया जा रहा है। तो मां के थ्रू वह संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। उसे होने का तो पता था पर मैं हूं ऐसा नहीं पता था, अभी दूसरे का भी पता नहीं था। मैं का ख्याल दूसरे को जानने के बाद आता है। इस बात पर गौर कीजिएगा, बच्चा जब जन्मता है तो उसे यह नहीं पता चलता कि मैं हूं, उसे पहले दूसरे नजर आते हैं। खुद तो वह दिखाई नहीं देता, दूसरे नजर आते हैं, पहले दूसरों का एहसास शुरू होता है। उसके कंट्रास्ट में मैं भाव पैदा होता है। मैं भाव सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, पहले दूसरे आए। बच्चा जब बोलना शुरू करता है वो अपना नाम भी थर्ड पर्सन में यूज करता है। समझो उसका नाम है पप्पू, सब लोग उसको पप्पू कह के पुकारते हैं, तो वो भी समझता है कि इस शरीर को पप्पू कहा जा रहा है। वो भी कहता है कि पप्पू गिर गया था, पप्पू के घुटने में चोट लग गई। तब माँ बाप उसको डांटेंगे, तुम ऐसा नहीं कहो, तुम ये कहो कि मैं गिरा था, मेरे घुटने में चोट लगी। बच्चे को समझ में नहीं आता कि सब लोग इसको पप्पू कहते हैं, वो मुझे मना करते हैं। लेकिन धीरे 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 वो भाषा सीखता है, मैं शब्द का प्रयोग करना सीख जाता है। यद्यपि अर्थ कुछ उसको पकड़ नहीं आता कि मैं का क्या मतलब है, लेकिन बार 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 उपयोग करते करते एक ही शब्द को हिप्नोसिस आ जाती है, सम्मोहित हो जाता है, उसे लगने लगता है कि मैं हूं। फिर ये नाम, फिर वो आईना देखना सीख गया, तब तत्सकल सूरत के साथ आइडेंटिफिकेशन हो गया। धीरे धीरे तादाद में बढ़ता चला जाता है, बहुत सारी चीजों के साथ तादाद में, देश, जाति, फिलासफी, संप्रदाय, जो भी धारणाएं आसपास थी, फिर पढ़ाई लिखाई, डिग्री, प्रोफेशन इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन हो जाते हैं। उससे वो समझता है कि ये मैं हूं। आपसे कोई पूछे आप कौन है तो आप वही बताएंगे जो आपके पासपोर्ट में, आधार कार्ड में लिखा है, ये मेरा नाम है। जब आप जन्मे थे कोई भी नाम ना था, संयोग से एक नाम आपको दिया गया, लेकिन रिपीट करने से बार 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 आपको लगने लगा यही मैं हूं। किसी से पूछो आप कौन है, क्या है, वो बताएगा मैं वकील हूं, कि डॉक्टर हूं, कि व्यापारी हूं। पैदा हुए था आप इसमें से कुछ ना थे, संयोग की बात, कुछ तो पढ़ाई लिखाई करनी थी, संयोग की बात, किसी ने ये की, किसी ने वो की। कई सालों के बाद हम आइडेंटिफाइड हो गए, फिक्स्ड आइडेंटिटी हमारी बन गई कि ये मैं हूं। फिर परिवार में संबंधों के साथ आइडेंटिटी बन गई, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं इसका भाई हूं, इसका पति हूं, मैं इसका पिता हूं, इसका पड़ोसी हूं,
ये मेरा बॉस है, मैं इसका सबॉर्डिनेट हूं, बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन। वो मैं शब्द जो है उसमें ये बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, उससे हम सम्मोहित हो गए हैं। फिर जब आध्यात्मिक जिज्ञासा पर हम निकलते हैं तब हम एक आध्यात्मिक सवाल का सामना करते हैं कि मैं कौन हूं, क्योंकि ये वास्तव में ये तो मेरा होना नहीं है, ये तो संयोग की बात है कि मैं भारतीय हूं, कि मैं हिंदू हूं, कि मैं कांग्रेसी हूं। आपकी मर्जी, चाहो पार्टी बदल लो, आपकी मर्जी देश बदल लो, नागरिकता बदल लो, आपकी मर्जी नाम बदल लो, धर्म बदल लो, तो इसका मतलब ये तो आप नहीं हो, क्योंकि आप तो तब भी रहोगे, लेबल नया लग जाएगा, आप तो तब भी वही रहोगे। वो कौन है फिर? क्या मैं शरीर हूं? ये भी बदल रहा है। मैं कभी बच्चा था, फिर किशोर हो गया, फिर युवा हो गया, फिर ब्रॉड हो गया, बूढ़ा होने लगा, कितना बदल गया। पिछले 68 साल की मेरी तस्वीरें निकाल के रख दी जाए तो पहचानना ही मुश्किल है, कोई उपाय नहीं पहचानने का, इतनी बदलाहट हो गई। लेकिन वो बदलाहट धीरे 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 हो रही है, रोज रोज तो हमें पता नहीं चलता। कोई व्यक्ति अचानक 40 साल बाद मिले तो वो हैरान हो जाता है, ना मैं उसे पहचान पाऊंगा ना वो मुझे पहचान पाएगा। इसके भीतर हमारे विचार हैं, मन है, बुद्धि है, स्मृति है, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन है कि ये मैं हूं। लेकिन वो तो और भी तेजी से बदल रहा है, शरीर को बदलने में तो फिर भी देर लगती है, विचार को बदलने में तो क्षण भर भी नहीं लगता। तो फिर सवाल उठता है कि मैं कौन हूं? भावनाएं, क्या मैं हृदय की भावनाएं हूं? वो भी हवा के झोंके की तरह आती हैं और कहां चली जाती हैं फिर पता भी नहीं चलता। लेकिन जिस क्षण वो रहती हैं उस समय वो पूरी तरह आच्छादित कर लेती हैं और लगने लगता है कि यही मैं हूं। तो वास्तव में वह भी मैं नहीं हूं, वो तो आई और गई, मैं तो उसके आने के पहले भी था और जाने के बाद भी हूं। वो मैं कौन हूं? आध्यात्मिक जिज्ञासा ईश्वर से संबंधित नहीं है, सृष्टि और सृष्टा से संबंधित नहीं है, स्वर्ग नरक से संबंधित नहीं है। आध्यात्मिक जिज्ञासा सिर्फ एक प्रश्न से संबंधित है, वो है अपना पता लगाना कि मैं हूं कौन। भीतर बहुत संवेदनशील होकर, बहुत जागरूक होकर हम तलाश करें, मैं जैसी कोई चीज तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ मिलता है जो है, उसको मैं कहना ठीक नहीं क्योंकि वहां कोई दूसरा ही नहीं है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, दूसरे की मौजूदगी में मैं का पता चलता है, एक रिलेटिव टर्म है, सापेक्ष शब्द। अगर कहीं कोई दूसरा ही नहीं है फिर मैं भी नहीं रह जाएगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो संयोग की बात, केवल आप ही इकलौते मनुष्य बचो दुनिया में, बाकी सब खत्म हो जाएं। आपको कितने दिन याद रहेगा कि आपका नाम क्या है, कि आपका प्रोफेशन क्या है? उसका कोई मतलब ही नहीं बचा, कोई आपको नाम से पुकारने वाला नहीं, आपके प्रोफेशन की कोई जरूरत ही नहीं रही। जो भी हो, कोई दूसरा है ही नहीं। क्या आप अभी भी अपने घर के आगे नेम प्लेट लगा के रखोगे? आप डाक फेंक दोगे? करेंगे क्या? कोई पढ़ने वाला ही नहीं। 4 से 7 के अंदर आप अपना नाम भूल जाओगे, वो तो रोज 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 रिपीट किया जाता था इसलिए याद बनी रहती थी, भूल जाओगे। किस गांव के फिर आप हो, किस शहर के हो? कोई बचा ही नहीं, ना कोई गांव बचा, ना कोई शहर बचा, ना कहीं कोई बाउंड्री लाइन, किस देश के हो? आपकी मर्जी, जहां चले जाओ, कोई पासपोर्ट वीसा कुछ नहीं लगेगा, कोई है ही नहीं दूसरा। मैं भाव क्षीण हो जाएगा। जब आप बाथरूम में स्नान करते हुए गाना गाते हैं उस समय मैं भाव बहुत क्षीण हो जाता है, आप फिर बालवत सरल हो जाते हो। यहां पे बुला के माइक पकड़ा दिया जाए कि अब गाइए आप, अहंकार आ जाता है क्योंकि दूसरे मौजूद हैं, ये हंसेंगे, ताली बजाएंगे, हुटिंग करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं।
बाथरूम में आप बिल्कुल रिलैक्स होकर गा रहे थे, फर्क क्या हुआ? अहंकार का फर्क हो गया। जितने ज्यादा दूसरे हैं उतने ही घना अहंकार है, दूसरे अगर छूट जाए। इसलिए एकांतवास का खूब उपयोग है साधना में। कुछ समय हम ऐसा बिता सकें जहां कोई ना हो, तो फिर उनमें भाव छूट जाता है। सबके बीच में अहंकार छोड़ना संभव नहीं, एकांत में छूट जाता है। चलो वैसा एकांत मिले कि ना मिले, लेकिन जब हम ध्यान में डूब रहे हैं, आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए, अब तो हम उस जगह पहुंच गए जो वास्तविक एकांत है। वहां कोई दूसरे की पहुंच नहीं है, अब वहां पे मैं भाव भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? कॉन्शियसनेस है, अनहदनाद गूंज रहा है, सूक्ष्म आलोक से प्रकाशित है, कोई सीमा नहीं है, आकाश जैसा विराट होने का अनुभव। कोई मैं भाव नहीं, कोई तू भाव नहीं, कोई नाम देना भी संभव नहीं, एक अनाम अस्तित्व, नेमलेस एग्जिस्टेंस। तो मैं कौन हूं कि हम खोज में गए? उसका उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी कुछ मिला जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। आपने पूछा है जीवन का उद्देश्य, यही है जीवन का उद्देश्य। जहां से जन्म से हम शुरू हुए थे और फिर हम भूल गए, संसार के स्मरण में और स्वयं के विस्मरण में हो गए। साधना के द्वारा हम पुनः ऐसी स्थिति बना लें, थोड़ी देर के लिए कम से कम संसार का विस्मरण हो जाए, ताकि आत्मविस्मरण घट जाए, क्योंकि वहां परम शांति है, परम आनंद है, परम संतोष है। वह जो होना है अमृत और अविनाशी है। बाहर जगत में सब कुछ मरण धर्मा है, सब कुछ विनष्ट हो रहा है, तो वहां शांति हो कैसे सकती है, आनंद हो कैसे सकता है? आध्यात्मिक साधना यही लक्ष्य है जीवन का, मैं कौन हूं का, वह वाला उत्तर पाना जिसको उत्तर भी नहीं कह सकते, आप किसी को बता भी नहीं सकते। एक रहस्यमय अस्तित्व की अनुभूति है।